इंडिया में हर साल तकरीबन 15 लाख इंजीनियर कॉलेज से पास आउट होते हैं, बट एक डाटा कहता है कि इंडिया के अंदर अप्रोक्स 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है, यानी कि 80% इंजीनियर के पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। एंड भारत के अंदर पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर है, बट फिर भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड के टॉप 30 पर भी रैंक नहीं कर पाता। वट वाई? सबसे पहले हम कुछ ऐसी तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को फेल करने वाली तस्वीरें। सरकारी टीचर्स लाखों बच्चों को ऐसे ही गलतियां पढ़ा रहे हैं। ऑफ ट्रेस अ स्टूडेंट इज पुट थ्रू ओवर लाइक 12 इयर्स ऑफ स्कूल एंड देन अनदर 3-5 इयर्स और इवन 6 इयर्स ऑफ कॉलेज। और जब मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिखी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंडियन नहीं है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के पीछे की रियलिटी को जानेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर बनना सिखा रहा है। यस गाइस, नौकर बनना सिखा रहा है। अब इन सारी बातों को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिस्ट्री पर। एशियंट इंडिया में स्कूल्स नहीं होते थे, बल्कि स्कूल्स की जगह गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पर बच्चों को वेद शास्त्र इन सब चीजों के बारे में बताया जाता था। और वहाँ पर आज की तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, बल्कि सबके लिए एक समान गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पर राजा और किसान सबके बच्चों को इक्वल नॉलेज दी जाती थी। बट अचानक से इंडिया के इस गुरुकुल वाले एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आता है, जब 1757 में पिलासी का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो उनके सामने दो सबसे बड़ी चुनौती थी। इसमें पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की, क्योंकि जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था, उस टाइम इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें सिर्फ इंग्लिश आता था, जिसकी वजह से उन्हें इंडियन के साथ कम्युनिकेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करने के साथ साथ अपने बिजनेस एंड फैक्ट्री इन दोनों को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अब एम्प्लॉयज की जरूरत थी, और वो एम्प्लॉयज ऐसे होने चाहिए थे जो बिना कुछ बोले चुपचाप ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से नौकरों की जरूरत थी। अब इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत के अंदर गुरुकुल को खत्म कर दिया, और उसके बाद न्यू एजुकेशन सिस्टम यानी कि इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 लाया गया, जिसके अंडर इंडिया में बहुत सारे स्कूलों को बनाया गया, और इन स्कूलों में इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह नहीं बल्कि एक कंपल्सरी लैंग्वेज की तरह पढ़ाया गया, जिसका साइड इफेक्ट अभी तक इंडिया में देखने के लिए मिलता है। अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उसे एक एजुकेटेड पर्सन माना जाता है, और अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसे एक अनएजुकेटेड पर्सन माना जाता है। और सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में बच्चों को मैनिपुलेट किया गया। हमें ये सिखाया गया कि हमें कैसे एक एम्प्लॉय बनना है और किसी के अंडर चुपचाप कैसे काम करना है, और आज तक इंडिया के अंदर हमें यही सिखाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि हमें पूरे साल कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और फिर लास्ट में उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर हमें उसे क्लैरिफाई करना है, जिसके बाद हमें कुछ मार्क्स मिलेगा, और इसी मार्क्स के बेस पर हमारी सोसाइटी हमें जज करेगी। लेकिन इस सोसाइटी से मेरा ये सवाल है कि क्या एक पेपर पे लिखे मार्क्स हमारे टैलेंट को जज कर सकता है? क्या ये मार्क्स हमारे स्किल को जज कर सकता है? और इसी कारण से आज देश में इतने सारे लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, और देश की जीडीपी ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि शुरू से तो हमें मार्क्स के पीछे दौड़ना सिखाया जाता है, और जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो मार्केट में हमसे स्किल मांगे जाते हैं। अब हम स्किल लाए कहाँ से, क्योंकि शुरू से तो हमें मार्क्स और थ्योरी के पीछे दौड़ना सिखाया गया, स्किल के बारे में तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं गया। आदमी दाल रोटी के लिए परेशान है, सरकारें बड़ा बड़ा दावा करती है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप दिखा भी सकते हो लोगों को कि यहाँ पे कितनी बेरोजगारी फैली हुई है। और जब पूरे 200 साल की मेहनत के बाद भारत को आज़ादी मिली, तो तब से लेके आज तक भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हुए, लेकिन आज तक एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला गया, बस उसमें सिलेबस को चेंज कर दिया गया, बाकी एजुकेशन सिस्टम अभी तक वही पहले वाला चलते आ रहा है।
और मुझे अभी भी याद है जब मैं 10th क्लास में था तो बहुत मेहनत करने के बाद मैंने साइन कॉस थीटा इन सब फॉर्मूले को याद किया था, लेकिन ये मेरी लाइफ में किस काम आए। सिर्फ 10th क्लास में इनसे मुझे कुछ मार्क्स मिले, इसके बाद मेरी लाइफ में किसी ने भी मुझसे साइन कॉस थीटा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पूछा। और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी यह है कि अगर एक क्लास में कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है और दूसरा बच्चा इंजीनियर, तो सिंगर बनने वाले बच्चे को भी वही पढ़ना पड़ेगा जो इंजीनियर बनने वाला बच्चा पढ़ रहा है, और इंजीनियर बनने वाले बच्चे को भी वही पढ़ना पड़ेगा जो सिंगर बनने वाला बच्चा पढ़ रहा है। यानी कि दोनों बच्चों के एम तो अलग अलग है, लेकिन दोनों को पढ़ाया एक ही चीज़ जा रहा है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, लेकिन ये पॉलिसी अभी तक सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली हमारे स्कूल में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, और जब तक ये पॉलिसी हमारे स्कूल में लागू नहीं होता तब तक हम इसे जज नहीं कर सकते कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। एंड इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। और इस पूरे वीडियो पर हमने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं कुछ टाइम बाद न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।